नमस्कार दोस्तों, हरियाणा की सुबह सुबह 10 फटाफट बड़ी खबरें सुनने के लिए आप सभी इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करो। चलिए बात करते हैं सबसे पहले कि हरियाणा सरकार सीएम खट्टर बोले, सभी युवाओं को नहीं दे सकते नौकरी और हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार की जरूरत है। और वहीं सरकार हर साल 10-15 हज़ार पदों के लिए भर्ती करती है, लेकिन जब हर साल 2 लाख युवाओं को रोजगार की जरूरत है, इसकी पूर्ति के लिए सरकार ने स्वरोजगार से युवाओं को जोड़ने की पहल भी की है। अब वहीं बता दें कि हरियाणा पंचायत चुनाव में 50% महिलाओं के लिए आरक्षण मिलने पर ही करवाया जाएंगे चुनाव, और इस संबंध में मामला हाई कोर्ट में है। जैसे ही इस मामले में कोर्ट के आदेश होंगे, चुनाव करवा दिए जाएंगे। अब वहीं बात करते हैं कि हरियाणा में पशुपालन एवं डेयरी विभाग द्वारा पशुओं की देखरेख एवं पालन के लिए पशु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे कि पशु किसान क्रेडिट कार्ड पर और वहीं पशुपालकों को कार्यशील पूंजी भी मिलेगी। अब वहीं बात करते हैं कि हरियाणा सन 2 मार्च से और एक किसान और पेंशन पर टकराएंगे हुड्डा के विधायक और मनोहर लाल मंत्री। और वहीं बता दें कि हरियाणा के विधानसभा का बजट सन खासा हंगामेदार रहने वाला है। वहीं प्रमुख विपक्षी दल कांग्रेस ने कहा कि भाजपा जदपा गठबंधन सरकार को घेरने की रणनीति तैयार की है। वहीं प्रदेश सरकार के मंत्री विपक्ष के हर मामले का जवाब देने के लिए तैयार भी है। अब वहीं बात करते हैं कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कहा कि देश में नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2030 तक पूरी तरह से लागू करने की योजना है, लेकिन मगर हरियाणा में इसे 2025 तक की ही लागू कर दिया जाएगा, और ताकि हमारे युवा औरों के लिए प्रेरणादायी बने और शिक्षा की एक ऐसा साधन है जिसके माध्यम से हर परिवार के स्तर को ऊंचा उठाया जा सकता है। अब वहीं बता दें कि सरकार ने लगभग 5 लाख टैबलेट खरीदने का फैसला लिया है, जो आगामी शैक्षिक सन से 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। और कार्यक्रम में कृषि एवं पशुपालन मंत्री पूरे प्रदेश में 2025 तक नई शिक्षा नीति लागू भी की जाएगी। और वहीं हरियाणा सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्वच्छता अभियान, पर्यावरण संरक्षण व नकल सरहित परीक्षाओं के लिए दृढ़ संकल्पित में है। और वहीं बता दें आप सभी को कि हरियाणा सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को उनके फसल के नुकसान की भरपाई के लिए बीमा कराने वाले किसानों को पॉलिसी वितरण भी की गई है। वहीं पॉलिसी वितरण अभियान के पहले दिन हरियाणा कृषि विपणन बोर्ड की क्षेत्रीय प्रशासनिक मृत्यु धनखड़ ने किसानों को पॉलिसी वितरण किया है। अब वहीं बात करते हैं कि हरियाणा में लगातार पश्चिमी विक्षोभ मार्च के पहले सप्ताह के दौरान पश्चिमी हिमालय तक पहुंचना जारी रख सकते हैं, और वहीं उत्तरी मैदानी इलाकों पर उनका प्रभाव कम होगा, लेकिन 2 मार्च को पंजाब हरियाणा उत्तरी राजस्थान और